हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में मटन के सीजलिंग कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। ये सीजलिंग कबाब मैं आप लोगों को तवे पे बना के दिखाऊंगी कि किस टाइप से हम लोग तवे पे भी बना सकते हैं अपने सीजलिंग कबाबों को। तो गाइस, उसके लिए मैंने लिया है ये 500 ग्राम कीमा, 4 से 5 आपको ले लेनी है चिली। अगर आप चिली कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये मैंने ली है 4 से 5 चिली। ये थोड़ी सी मैंने अनियन ले ली हैं, इन्हें रफली कट कर लिया है। ये कुछ मैंने गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं, ये 10 से 12 होंगे। और ये एक छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है जिंजर का, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। तो इन्हें हमें बारीक नहीं करना है, कोई स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है इनका, रफली इन्हें क्रश कर लेना है। तो चलिए एक मिक्सी का पॉट ले लेते हैं। तो गाइस, ये मैंने एक मिक्सी का पॉट ले लिया है, इन्हें बस रफली क्रश कर लेना है। बस आप देख सकते हैं इसी टाइप का हमें चाहिए। इसमें वाटर आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, विदाउट वाटर ही आपको इसे इसी टाइप का बस पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। तो अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, एंड ये लिए है मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च, उसे बस हल्का सा क्रश कर लिया है। यह है मैंने साबुत धनिया, उसे क्रश कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें, मसाला हमने क्रश किया था, इसी में सब चीज़ों को ऐड कर देना है और मिक्सी को थोड़ा सा और चला लेना है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने एक बार अच्छे से चला लिया है मिक्सी में। अब इसे हम अपने कीमे में मिक्स कर देते हैं, अपने ये जो हमारा मेंस है इसमें मिक्स कर देते हैं। इसको हमारे आई मीन टू से कीमे को हमने जो लिया था, इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करके इसके मैंने जो भी इसमें वाटर था बहुत अच्छे से उसे ड्राई कर दिया था, निकाल दिया था। हमारा कीमा है, इसको मैंने अच्छे से एकदम बारीक पीस लिया था मिक्सर में। तो अभी इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ये खाने वाला सोडा, इससे बहुत ही जूसी बनते हैं हमारे कबाब। इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कर देती हूँ मैं ये कॉर्न फ्लोर। और अब इसमें सबसे लास्ट में जो हमें ऐड करना है गाइस, वो है हमारा सॉल्ट, जो कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। कॉर्न फ्लोर मुझे कुछ कम लग रहा है, तो मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ थोड़ा, आप भी थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इन सभी को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारे मीन्स के अंदर, कीमे के अंदर मसाला अच्छे से हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे मसाला है और कहीं पर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर लेना चाहिए गाइस। और कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप कीमे को धो के अच्छे से इसका वाटर स्ट्रेन करके आप रख दीजिए, और या फिर आप किसी भी कपड़े में करके और दबा दबा के उसका वाटर निकाल दीजिए। नहीं तो हमारे कबाब जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे अगर इसमें वाटर हुआ तो। और एक टिप देना चाहूँगी गाइस कि जो मैंने इसमें सोडा ऐड किया है, तो आप सोचेंगे ज़रूरी नहीं है, तो गाइस ये बहुत ज़रूरी है। सोडा ऐड करने से, जो मीठा वाला सोडा होता है, ये ज़रूर आप ऐड करें। इसे ऐड करने से क्या होता है गाइस कि हमारे जो कि कबाब हैं बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं कि आपको खाने में हार्ड लगेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस इसी तरह से करते हुए गाइस आप इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर मिक्स करने के बाद बताती हूँ कि आपको इन्हें किस टाइप से राउंड शेप में इन्हें शेप देना है। अगर आपके पास में लोहे की स्टिक है जिससे कि हम शेप देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टिक सभी के पास में हो, तो अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो बताती हूँ कि आप किस टाइप से उन्हें शेप दे दीजिए। तो उसके लिए आपको गाइस एक लेनी है पेंसिल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोहे की जो स्टिक है वो घरों में मौजूद हो, मिल जाए हमें, तो पेंसिल तो आपको घर में आराम से मिल जाएगी। तो आप इस टाइप से पेंसिल लीजिए और हैंड को थोड़ा सा आप गीला कर लीजिए, और उसके बाद में इसमें से थोड़ा सा आपको डो लेना है, और ले के उस डो को आपको इस टाइप से करना है। तो इस टाइप से आपको पेंसिल लेना है, और लेके पेंसिल की हेल्प से आपको इस टाइप से करते हुए ये बना लेना है।
आप देख सकते हैं इसी टाइप से करते हुए आपको इन्हें बना लेना है और इस टाइप से निकाल लेना है। इसी तरह से करते हुए आपको अपने सारे गोला कबाब रेडी कर लेने हैं। फिर आपको इसी टाइप से डो लेना है, हल्का सा हैंड में वाटर लगाना है आपको और इस टाइप से करके बस इसी तरह से करते हुए आपको ये देखिए हमारे गोला कबाब इसी तरह से राउंड शेप के इस कबाब इसी तरह रेडी हो जाएंगे। बस इसी तरह आपको बनाना है और बना के आपको इसी तरह सब कलेक्ट कर लेने हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने इन्हें बना के रेडी कर लिया है और इन्हें अब हम फ्राई पैन या तवे पे फ्राई कर लेंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने तवे को रख दिया है हीट होने के लिए और जो ये कबाब हमने अपने रेडी किए थे ये रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो तवे पे अपने चलिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने ये ऑयल ऐड कर दिया है। इसके लिए हमें बहुत ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, बस शैलो फ्राई ही करना है। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, अभी इन्हें बहुत केयरफुली इन्हें हमें वन बाय वन इस टाइप से करते हुए सभी को ऐड कर देना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे सीजनिंग कबाब किस टाइप से कितना इजीली तवे पे बन के रेडी हो रहे हैं। अब ये वन साइड से हो चुके हैं, इन्हें बहुत ही केयरफुली आप टर्न कर दीजिए। टर्न करने के लिए इन्हें इस टाइप से आप किसी भी नोकदार चीज़ हो या नाइफ़ हो उसकी हेल्प से इस टाइप से करते हुए टर्न करिए, ये बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। बस इसी टाइप से करते हुए आपको सभी को अच्छे से टर्न कर देना है, पलट देना है। फ्लेम को आपको थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देना है। इसी टाइप से करते हुए आपको इन्हें निकालना है और इस टाइप से इन्हें रखते जाना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे ये कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। ये सीज़निंग कबाब की रेसिपी है जो कि हमने तवे पे ही बना के आपको आपके साथ में शेयर की है। तो ये रेसिपी कैसी लगी गाइज़? अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये बहुत ही जूसी बहुत ही मॉइस्ट बन के रेडी हुए हैं, ये बहुत ही टेस्टी बहुत अमेजिंग हैं। इसी टाइप से आप भी इन्हें एक बार ज़रूर बनाइए और मेरे बताए तरीके से बना के और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत हॉट है, तो मैं इन्हें तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज़ ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुए हैं, ये अंदर से भी बहुत टेस्टी और बहुत जूसी हैं। तो गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन बाय।